जाते जाते भी बारिश का कहर जारी। सितंबर महीने में हुई 71 मौत, खेतों का भी हुआ भारी नुकसान। आदाब, में फरहत शरीफ लंद्रानी न्यूज में आपका स्वागत है। सितंबर का महीना ज्योग्राफिकल वे के लिहाज से बरसात का आखिरी महीना कहलाता है। हालांकि पिछले कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि बरसात का जब मूड होता है बरस पड़ती है, जिसकी वजह से आबोहवा भी पूरी तरह से तब्दील हो जाती है। आज सितंबर का महीना खत्म हो जाएगा, मगर महाराष्ट्र में जिस तरह से बारिश हो रही है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक बारिश का ये कहर जारी रहेगा। मुंबई के अलावा स्टेट के मराठवाड़ा और विदर्भ में भी अच्छी खासी बारिश हुई। बारिश के कहने सितंबर के महीने में 71 लोगों की जाने ली, जबकि इस सीजन में अब तक मरने वालों की तादाद 436 हो चुकी है। सिर्फ आसमानी बिजली गिरने से 196 लोग मरे, जबकि बारिश की वजह से खेतों का भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। स्टेट में इस सीजन में कुछ जगहों पर 4 बार और कुछ जगहों पर 8 बार मौसलाधार बारिश हुई है, जिसकी वजह से जान के साथ साथ माल का भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। सैलाब की वजह से कई लोग बह गए, जानवर भी मरे, खेतों की फसलें खराब हुई। मराठवाड़ा और विदर्भ के अलावा उस्मानाबाद, अवधमहल, बुल्ढाणा, औरंगाबाद और लातूर में भी खूब बारिश हुई। अवधमहल में भी बारिश की वजह से एक बस हादसे में 4 मुसाफिर मौत के मुँह में चले गए। कैबिनेट मिनिस्टर विजय वेडीटवार ने कहा कि बारिश की वजह से हादसों में मरने वालों को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने जानकारी दी कि भारी बारिश की वजह से घरों को कम नुकसान पहुंचा है, कच्चे घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए, जबकि कुछ पक्के मकानात भी बारिश की जद में आए। उन्होंने बताया कि सीएम उद्धव ठाकरे जहां जहां बारिश की वजह से सैलाबी हालात है या नुकसान हुआ है वहां का दौरा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लंद्रानी न्यूज, मुंबई।